माई सेल्फ कमल सिंह सी एल सी फैकल्टी तो आज क्या हम क्या 2019-2020 उन्नीस के ऑनलाइन के पेपर, पेपर का सॉल्यूशन करेंगे तो जिसका टॉपिक क्या है वेक्टर तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सी वैक्टर बी ए वैक्टर सज दैट दी ए वैक्टर तो ये यहाँ पे

a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू जीरो और सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू फोर तो मैं इसको क्या है देखो a वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो a वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किया इसका तो क्या आएगा आपके पास में a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इस फॉर्म में यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेंगे अब इसमें देखो ये तीन वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट है ठीक है तो इसमें फिर आपके पास में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्क्वायर तो सी वेक्टर प्लस इसमें आपके पास में आई जे के इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सो वन माइनस वन जीरो वन 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 इक्वल टू जीरो से आपको सी वेक्टर मिलेगा अब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आपको गिवन है कितना फोर है तो ये यह फोर यहाँ पे इसकी वैल्यू फोर डाल दी तो ए वेक्टर यहां पे आपके पास में आई माइनस जी अब इसमें देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर टू आएगा ठीक है तो आपके पास में फोर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू यहां से फोर सी वेक्टर सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्क्वायर सॉरी इसमें स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं अब इसमें देखो ये ये नहीं आएगा तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसका ये टू आएगा यहां से टू टू अब इसमें आपके पास में सी वेक्टर प्लस तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आएगा माइनस आई माइनस आई एंड फिर आपके पास में माइनस जे एंड दिस इज वन प्लस टू के इक्वल टू जीरो तो यहाँ से सी वेक्टर आप सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ रहा है आपके पास में तो ये आपके पास में माइनस थ्री आई और माइनस फाइव जे एंड माइनस टू के माइनस प्लस का टू के इस फॉर्म में आ रहा है क्लियर है टू टू सी वैक्टर तो सी वैक्टर आपके पास में माइनस थ्री आई माइनस फाइव जे माइनस फाइव जे एंड प्लस टू के अपॉन टू सो वट इज इट्स मोडलस मोडलस विल बी हेयर वो आपके पास में क्या रहेगा इसका सो दिस इज नाइन ट्वेंटी फाइव फोर सो थर्टी एट अंड थर्टी एट अपॉन टू तो स्केयरिंग पूछ रहा है तो स्केयर ऑफ दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज थर्टी एट अपॉन फोर दाइनटीन अपॉन टू सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए वैक्टर आई कैप प्लस जे कैप्लस एंड सी वैक्टर फाइव आई प्लस जे प्लस रूट टू के बी द थ्री वैक्टर्स दैट ये तीन वैक्टर्स ऐसे हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी ऑन वैक्टर ए इज ए, ए वैक्टर तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन कितना है ए वेक्टर एंड ए वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज पर पेंडिकुलर टू सी वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर टू सी इसमें पहले आपको जो कंडीशन दी हुई है तो इसमें प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर तो दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर दिस इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर

तो ये टू स्केयर हो जाएगा फोर इधर आपके पास में ये ए वेक्टर ए वेक्टर गेट कैंसिल तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर से आपके पास में बी वन प्लस बी टू प्लस टू तो बी वन प्लस बी टू इज इक्वल टू टू तो ये इक्वेशन नंबर वन लेट कर लो इसे तो अब नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सो बढ़ी दे वैक्टर प्लस बी वैक्टर पर टू तो वो आपके पास में वन प्लस बी वन

तो अब इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या आता है आपके पास में फाइव प्लस फाइव बी वन प्लस वन प्लस बी टू सो ये आपके पास में इधर फोर तो इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइव बी वन प्लस बी टू ये आपके पास में प्लस टेन इक्वल टू जीरो इधर आपके पास में बी वन प्लस बी टू माइनस टू इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फोर बी वन प्लस ट्वेल्व सो बी वन इज इक्वल टू बी है माइनस थ्री सो बी वन अगर माइनस थ्री है तो आपके पास में इधर से बी टू कितना आया सो फाइव बी टू इज फाइव बी टू इज फाइव अब नाउ मुडलस ऑफ बी वेक्टर वो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा तो मोडलस ऑफ बी वेक्टर वॉट इज द बी वैक्टर वैक्टर किस फॉर्म में आ गया सो b1 वन माइनस थ्री आई एंड प्लस फाइव जे प्लस रूट टू के सो वट इज अडलस ऑफ बी वैक्टर सो दैट इज नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टू दिस इज सिक्स तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिक्स क्लियर है तो अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एल्फाइल इज क्या थ्री आई प्लस जे कैप एंड बी वैक्टर बीटा वैक्टर इज टू आई कैप माइनस जे प्लस थ्री के एंड बी बीटा वैक्टर इज बी वन माइनस बीटा बीटा टू बीटा टू बीटा वैक्टर इज तक क्या है बीटा 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 माइनस वेयर इज टू हैल्फा एंड बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू एल्फा वैक्टर सो बी वन बीटा वन वैक्टर क्रॉस बीटा टू इज इक्वल टू वो उसकी वैल्यू पूछी है तो अब अपने पास में देखो इसमें बीटा वैक्टर इज इक्वल टू बी बीटा वन माइनस बीटा टू सो बीटा वन इज पैलर टू एल्फा तो आपके पास में सोल्यूशन में बीटा वन पहले टू तो अल्फा वेक्टर, सो so, बीटा वन लेमडा अल्फा वेक्टर इस फॉर्म में आएगा तो ये है, तो ये आपके पास में बीटा वन ये लेमडा थ्री आई प्लस जे इस फॉर्म में अब तो नाउ बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वन माइनस बीटा टू इस फॉर्म में तो यहां से आपके पास में बीटा टू वेक्टर आ जाएगा तो बीटा टू वेक्टर देखो आपके पास में क्या आएगा बीटा टू वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वन की वैल्यू डाल दो यहां से लेमडा थ्री आई प्लस जी इस फॉर्म में क्लियर है तो एंड व्हाट इज द बीटा बीटा आपके पास में टू आई माइनस का इस फॉर्म में तो अब इसमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा ये थ्री लेमडा माइनस टू आई एंड लेमडा प्लस वन जे कैप माइनस थ्री के कैप इस फॉर्म में सो बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू व्हाट बीटा टू किसके परपेंडिकुलर अल्फा बैक्टर के तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो के बराबर सो डॉट ठीक है ये डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो के बराबर आ गया तो बीटा टू यहां पे इसके दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा थ्री थ्री लेमडा माइनस टू एंड आपके पास में लेमडा प्लस वन ये इक्वल टू जीरो इसमें के है नहीं के कैप है नहीं तो इसमें ये आपके पास में इसमें ये बन गया टेन लेमडा टेन लेमडा ठीक है माइनस सिक्स एंड माइनस फाइव सो लेमडा इज इक्वल टू वन पॉइंट टू तो ये लेमडा की वैल्यू हमें पता लग गई सो यू कैन फाइंड आउट नाउ बीटा वन एंड बीटा टू सो बड़ी द बीटा वन बीटा वन भी है बैक्टर बीटा वन सो वन पॉइंट टू थ्री आई प्लस जे कैप इस तरीके से अब आपके पास में बीटा टू क्या आ रहा है बीटा टू बैक्टर बीटा टू तो ये आपके पास में यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो ये कितना हुआ माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू आई कैप इसमें थ्री अपॉइंट टू जे कैप एंड माइनस थ्री के कैप ठीक है तो अब अपने पास में तो बीटा वन बीटा वन ये है बीटा टू ये है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये चाहिए तो ये आपके पास में किसके इक्वल आ रहा है इसको देखो आई जे क्लियर तो ये आपके पास में माइ कितना आएगा वन पॉइंट टू इसमें से कॉमन निकाल लो यहाँ से चलो कोई बात नहीं थ्री अपॉइंट टू वन पॉइंट टू ये जीरो तो इसमें माइनस थ्री अपॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू एंड थ्री अपॉइंट टू एंड माइनस थ्री ठीक है इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो देखो आपके पास में सीधा ही अगर इसको एक्सपेंड कर लें सीधा सा आपके पास में क्या आ रहा है इससे एक्सपेंड कर लो या इससे एक्सपेंड कर लो तो आपके पास में इससे एक्सपेंड किया तो कितना आ रहा है तो माइनस थ्री बाई टू आई कैप ये हुआ फिर इससे आपके पास में माइनस नाइन बाई टू माइनस नाइन बाई टू जे कैप ठीक है तो ये इधर आपके पास में नाइन नाइन बाई फोर प्लस वन बाई फोर तो कितना हुआ आप सो so, ये टेन बाई फोर सो नाइन तो टेन बाई फोर के कैप तो इसको आप वन पॉइंट टू को बाहर निकालें ठीक है so, सो आपके पास में आंसर क्या बनेगा इसमें तो so, माइनस को भी बाहर निकालें तो देखो किस फॉर्म में आ रहा है तो सो माइनस थ्री आई अगर माइनस थ्री आई तो ये पहले इसको चेक कर लें थोड़ा सा ये माइनस का थ्री ये देखें जे का कैप का क्या आएगा नाइन ये प्लस का नाइन आ रहा है तो so, आपके पास में ऑप्शन क्या बन गया इसमें वन पॉइंट टू तो ये माइनस थ्री आई प्लस नाइन जे एंड प्लस टेन के तो विच ऑप्शन इज हियर तो इसमें इसको फाइव लिख दे तो इसको आप फाइव लिख सकते हैं इसको इसको फाइव कर देना ठीक है तो ये आपके पास में माइनस थ्री आई प्लस नाइन जे प्लस फाइव के कैप तो विच ऑप्शन इज हियर करेक्ट सो दिस माइनस थ्री आई कैप तो ये आपके पास में सेकंड ऑप्शन आ गया

जो कंडीशन दी हुई है तो एक कंडीशन टू सी वैक्टर तो यहां से आपके पास में लेमडा वन लेमडा टू में इक्वेशंस मिलेंगी इन दोनों कंडीशन से फिर उसमें आप देखोगे भी कौन सा उसको सेटिस्फाई करता है कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो देखो इसमें आपके पास में बी वैक्टर 2A vector, ये इन दोनों को इक्वेट करेंगे इज एंड ठीक है जे कैप प्लस सिक्स के कैप दो से मल्टीप्लाई कर दिया अब इनको कंपेयर कर दो आई कैप और जे कैप के तो देखो इसमें आई कैप सेम है और के कैप के कोट सेम है तो अपने को जे कैप का को इक्वेट करना है तो ये आएगा आपके पास में टू वन। सो टू वन प्लस टू ठीक है इसको इक्वेशन नंबर वन दे। क्लियर तो नेक्स्ट वन में आपके पास में क्या है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर तो दोनों का इनका ए वेक्टर इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो रखना है तो देखो आपके पास में सिक्स एंड सिक्स लेमडा वन एंड लास्ट में प्लस थ्री लेमडा थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो तो ये आपके पास में सिक्स लेमडा वन प्लस थ्री लेमडा थ्री प्लस का थ्री आएगा ठीक है तो इसमें आप थ्री से डिवाइड कर लो टू लेमडा वन एंड प्लस लेमडा थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब इसमें देखो आप कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है अगर आप देखें इसमें फर्स्ट ऑप्शन को देखें अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें इसमें रखते हैं तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है माइनस वन प्लस फोर माइनस वन प्लस फोर तो ये प्लस ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है क्या देखें अब इसमें इसमें देखो आप माइनस ये देखो आपके पास में लमडा थ्री है तो माइनस वन माइनस वन और जीरो वन ये सेटिस्फाई करता है ठीक है बाकी देखो आपके पास में कोई भी पॉइंट इसको सेटिसफाई नहीं करेगा दोनों का देखो इसमें अगर आप देखते हैं एक मिनट इधर देखें आप इसमें इसमें देखें चेक करें इसको तो ये वन आ रहा है तो पे आ रहा है तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो तो ऑप्शन इज दिस टू फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट नेक्स्ट अब इसमें देखो आपके पास में लेट एल्फा वैक्टर लेमडा माइनस टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर ियर है आपके पास में सो देन वैल्यू ऑफ लेमडा फोर बीज दी एल्फा वैक्टर एंड बीटा वैक्टर आर कोलिनियर तो आपके पास में एल्फा वैक्टर एंड बीटा वैक्टर क्या कोलिनियर है सो इट मीन एल्फा वैक्टर इज इकल टू यहां पे लेमडा दे रखा तो आप उसको क्या करोगे म्यू बी वेक्टर ले लो तो इसमें देखो अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर तो अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बीटा वेक्टर दोनों को कंपेयर कर ले अब इसमें देखो इसमें लेमडा माइनस टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सो so, म्यू फोर लेमडा माइनस टू ए वैक्टर प्लस थ्री बी वैक्टर अब अपने को यहां से पहले किसकी वैल्यू निकालनी है म्यू की वैल्यू निकालनी है तो बी वेक्टर के कोफिशियंट कंपेयर कर लो तो यहां से थ्री म्यूजिकल टू वन सो म्यू इज इकल टू वन अपॉन थ्री म्यू की वैल्यू पता लग गई अब अपने क्या है यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लेमडा तो लेमडा की वैल्यू अपने निकाल सकते हैं तो इसमें देखो अब इसमें ए वेक्टर के कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो लेमडा माइनस टू इधर आपके पास में म्यू फोर लेमडा माइनस टू इस फॉर्म में ठीक है अब इसमें इसकी वैल्यू डाल दो सो लेमडा माइनस टू वन पॉइंट थ्री सो फोर लेमडा माइनस टू सो इसमें थ्री लेमडा माइनस सिक्स एंड फोर लेमडा माइनस टू तो इधर आपके पास में लेमडा इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास में माइनस फोर आ रहा है तो लेमडा इज इक्ल टू माइनस फोर सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइनस फोर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन देखे ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है बी वेक्टर में देखो लेमडा जे, जे है है। तो इसमें आपके पास में सी वेक्टर टू आई प्लस फोर जे लेर माइनस वन बी कोप ले रहे हैं तीनों वेक्टर कोप ले रहे हैं इनके क्या है आपके पास में इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो द थ्री वैक्टर टू बी कोप ले तो इसमें इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल रखो तो आई प्लस टू मतलब ये क्या है वन टू फोर यहाँ से वन लेमडा फोर टू फोर लेमडा स्क्वेयर माइनस वन क्लियर तो ये आपके पास में इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो इसमें क्या करें आर वन माइनस आर टू कर लो तो ये किस फॉर्म में आएगा तो जीरो टू माइनस लेमडा जीरो वन लेमडा फोर टू फोर लेमडा स्क्वेयर माइनस वन ठीक है अब इससे एक्सपेंड कर लिया तो आपके पास में क्या आ रहा है माइनस टू माइनस लेमडा ठीक है तो अब अपने पास में माइनस वन माइनस एट इस फॉर्म में तो यहां से लेमडा की वैल्यू आपके पास में टू और प्लस माइनस थ्री ऐसा है. अब जब लेमडा की वैल्यू क्या प्लस माइनस थ्री इसमें डालते हो यहां पे देखो आपके पास में टू आई प्लस फोर जे प्लस एट के कैप आ गया तो

तो ए वेक्टर क्रॉस सी तो इसमें आई जे के अब इसमें आपके पास है वन टू फोर इधर टू फोर थ्री क्लियर तो ये माइनस का टेन आई सो सिक्स माइनस सिक्सटीन माइनस टेन आई इस फॉर्म में आ गया अब अपने पास में जे सो थ्री माइनस एट तो थ्री माइनस एट माइनस का फाइव तो ये माइनस का होता है तो प्लस का फाइव सो के so, वाला आपके पास में फोर माइनस फोर जीरो हो रहा है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेवेंथ में लेट थ्री आई कैप प्लस जे कैप आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप एंड बी आई कैप प्लस वन माइनस लेमडा बी जे कैप रिस्पेक्टिवली पोजिशन वैक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स बी एंड सी विद रिस्पेक्ट टू दिजन ओ द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम दर ऑफ अक्यूट एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी थ्री अपॉन रूट थ्री तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा इज़। तो आपको क्या बीटा की देखो क्वेश्चन में क्या है आपके पास में ये ए आपके पास में पोजिशन वैक्टर्स हैं क्लियर है अब आपके पास में और ये आपके पास में सी का पोजिशन वैक्टर है तो क्वेश्चन में अब क्या कह रहे हैं तो पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है किससे OA और OB के एंगल बाईसेक्टर्स से तो इधर डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द बाईसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन दी OA एंड OB इज थ्री अपॉन रूट टू अगर देखो मैं इस पॉइंट A को ऐसे ले लेता हूं अगर थोड़ा सा अपने 2D से कर लें तो बहुत सिंपल रहेगा तो A इज इक्वल देखो A के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या है रूट √3 1 ऐसा है B आपके पास है 1 रूट √3 एंड C के आपके पास में क्या है बीटा वन माइनस बीटा इस फॉर्म में अगर आप देखें इसको ओ इज द क्या है ओरिजन दे रहा है आपको ओ ओरिजन है तो इसमें इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो सो रूट थ्री वन तो ये आपके पास में यहां पे आ गया रूट थ्री वन एंड बी बी इज हियर, वन रूट थ्री वन रूट थ्री ठीक है ये बी पॉइंट हो गया अब इसका स्लोप कितना आपके पास में दिस इज वन अपॉन रूट थ्री हेयर टेन थीटा इजल टू वन अपॉन रूट थ्री यह थर्टी डिग्री हो गया अब ऐसे आपके पास में इसका जो आपके पास में एंगल कितना रूट थ्री अपॉन वन इसका स्लोप ऑफ ओबी तो ओबी का स्लोप कितना आपके पास में रूट थ्री तो वो सिक्सटी हो गया तो ये आपके पास में टोटल सिक्सटी डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना आपके पास में थर्टी थर्टी आ गया ये थर्टी डिग्री अब इसमें जो इसका बाइसेक्टर होगा विल मेक एंगल ये किस कितना एंगल बनाएगा ये 45 डिग्री एंड पास थ्रू वट ओरिजन तो ओरिजन से पास होता तो इसका इक्वेशन क्या आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरोल बाई सेक्टर आपके पास में क्या हो गया एंगल बाई सेक्टर एक्स माइनस वाई इज इकल टू जीरो पॉइंट सी का इससे डिस्टेंस देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम दिस लाइन एस कितना थ्री अपॉन रूट टू तो वो आपके पास में डिस्टेंस फार्मूला लगा लो इसमें सो so, बीटा तो यहां से वन माइनस बीटा अपॉन रूट टू इक्वल टू किसके आएगा आपके पास में थ्री अपॉन रूट टू तो ये रूट टू रूट टू कैंसिल हो जाएगा आपके पास में यहां से टू बीटा टू बीटा माइनस वन प्लस माइनस थ्री ऐसा तो एक बार क्या अपने पास में बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टू एक टू आएगी जब माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा माइनस वन आएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस वन अब सम ऑफ दी वैल्यूज ऑफ दी बीटा इसकी सम ऑफ दी वैल्यूज पूछा ना तो देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दी बीटा इज सो वन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ दी डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ द म्यू फॉर विच दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर तो ये आपके

डिटर्मेंट वैल्यू जीरो होगी ना फिर इसकी वन वन म्यू तो इसको एक्सपेंड कर लो तो एक्सपेंड करेंगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा म्यू म्यू स्क्र माइनस वन ऐसा ठीक है।, है ऐसा हो गया फिर इसमें आपके पास में वन से करेंगे तो क्या आएगा म्यू माइनस वन इधर से फिर आपके पास हो वन माइनस म्यू वन माइनस म्यू इक्वल टू जीरो तो इसको सिम्प्लीफाई कर लिया तो क्या आ गया म्यू क्यू माइनस म्यू एंड माइनस म्यू माइनस म्यू तो ये आपके पास में यहाँ से प्लस टू ठीक है तो अब अपने पास में म्यू क्यू माइनस थ्री म्यू प्लस टू एक तो म्यूज इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई करता है करता है ना तो इसमें आपके पास में म्यूज माइनस वन इसका एक फैक्टर आ गया अब इसमें यहां से म्यू क्या ठीक है इधर माइनस टू और माइनस म्यू से देखो अब इसमें यहां से माइनस थ्री म्यू चाहिए तो अपने को प्लस का म्यू करें यहां पे प्लस का माइनस म्यू एक माइनस टू तो प्लस का म्यू इक्वल टू जीरो तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ रही है इधर से आपको क्या मिलेगी म्यू की वैल्यू माइनस टू एंड वन ये तो सम ऑफ दी दी वैल्यूज ऑफ म्यू इस वन माइनस टू वन सबका सम करेंगे तो सम ऑफ ऑल दिस विल बी इक्वल टू जीरो क्लियर है तो नेक्स्ट वन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विद द थ्री यूनिट वेक्टर्स आउट ऑफ विच दी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन पैरेलल जिसमें से बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या नॉन पैरेलल है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली तो बी वेक्टर और सी वेक्टर नॉन पैल हैं क्लियर है अब ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं यूनिट वेक्टर हैं और फिर आपको ये गिवन है कि अल्फा और बीटा क्या है एंगल्स हैं

तो इसमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा मतलब इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर वो लगाएंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरीके से सी वेक्टर इनटू सी वेक्टर बी वेक्टर अपॉन टू तो ये बी वेक्टर इसमें से सबट्रैक्ट कर ले तो यहां से आपके पास में क्या आ रहा है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस वन अपॉन बी वेक्टर इधर आपके पास में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वैक्टर इक्वल टू जीरो ऐसा है अब अपने को ये क्वेश्चन में गिवन है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या नॉन पैल है तो उनमें आपके पास में जब नॉन पैल हो तो इनके ये जो कोफिशेंट होते हैं स्केलर कोफिशियंट तो इनमें रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो बी वैक्टर लेमडा सी वैक्टर के इक्वल तो आएगा नहीं क्योंकि दे आर नॉन पैलल सो so, इनके जो कोफिशियंट है ना स्केलर ये जो कोफिशियंट है दे मस्ट इक्वल इक्वल टू तभी ये के होगा तो इनको आप जीरो के इक्वल करेंगे तो तो ए वेक्टर डॉट सी वैक्टर माइनस वन तो यहां से आपके पास में ए और सी के बीच में एंगल कितना आया सो एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड सी वैक्टर इज बीटा ये आपके पास में कॉस थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट टू इसको मैं लेता हूं कितना ये बीटा है तो थीटा इज इक्वल टू बीटा डिग्री ये आ गया आपके पास में सिक्सटी डिग्री ना सेकेंड वन एक्टर डॉट बी वैक्टर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर हो गए तो ये आपके पास में कॉस अल्फा आ गया कोस अल्फा जीरो ऐसे ही बनेगा दोनों यूनिट वेक्टर है तो उनका मॉडुलस क्या हो जाएगा वन तो एल्फाइज टू नाइनटी डिग्री तो अब इनमें डिफरेंस कितना आता है आपके पास में

अपने क्या करते हैं इसको ए वैक्टर लट कर लेते हैं इसको बी वैक्टर और सी वैक्टर तो इसमें देखें फटाफट इसमें ए वैक्टर तो इसका प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर पे निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो तो ए वेक्टर आई टू आई प्लस थ्री जे प्लस के कैप एंड बी वेक्टर आई प्लस जे प्लस के कैप एंड सी वेक्टर I प्लस टू जे प्लस थ्री के कैप अब अपने को देखो इसमें B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर निकालना तो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर आपके पास में यहीं से निकाल लो कितना आता है देखो इसमें देखें थ्री माइनस टू देट इज I कैप फिर J कैप की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा आपके पास में तो थ्री माइनस वन तो दैट इज माइनस टू जे के कैप में आपके पास में प्लस के कैप ये आ गया बी वैक्टर बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर इस फॉर्म में आ गया अब इसमें प्रोजेक्शन इसका तो प्रोजेक्शन क्या हुआ फिर आपके पास में उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा ना तो वो आपके पास में टू आई थ्री जे प्लस के कैप डॉट तो आई माइनस टू जे प्लस के कैप अपॉन में इधर आपके पास है प्लस है नीचे इसका क्या आएगा मोडुलस तो दैट इज रूट सिक्स तो ये देखो इसको सिंपलीफाई किया तो आपके पास में कितना आ रहा है टू माइनस सिक्स प्लस वन क्लियर है तो so ये कितना हुआ आपके पास में तो so मोडुलस लेना है मैग्नीट्यूड लेना है तो so ये आपके पास में so यहां से थ्री अपॉन रूट सिक्स दैट इज अंड्रूड थ्री अपऑन टू तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री आई प्लस टू जे प्लस एक्स के कैप एंड बी वैक्टर जे प्लस के कैप फॉर सम रियल वैल्यू देन मोडल ऑफ ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल टू आर इज पॉसिबल इफ अब इसमें आपके पास में ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर निकालते हैं पहले तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर तो इसमें ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है तो कहता है एक्स की रियल वैल्यू के लिए ये आर के इक्वल है ना, तो आर की रेंज पूछी है मेन इसमें आर की रेंज बतानी है तो इसको देखो फिर आपके पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सो थ्री टू सॉरी इसमें आई जे के एंड वन माइनस वन वन इस तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास में क्या आ रहा है तो टू प्लस एक्स आई एंड जे जे में आपके पास में थ्री माइनस एक्स एंड के माइनस फाइव के है कोफिशंट ऑफ केक ये आ रहा है अब आपके पास में इसमें मोडलस ऑफ ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर सो दैट विल बी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आता है टू प्लस एक्स होल स्केयर प्लस थ्री माइनस एक्स होल स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव इस फॉर्म में ठीक है इक्वल टू किसके है आपके पास में आर के अब इसको क्या किया आपने देखें एक्स स्क् टू एक्सक्र आएगा तो माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स तो यहां से माइनस का टू एक्स आएगा और इधर आपके पास में नाइन प्लस फोर थर्टीन तो थर्टी एट आ गया थर्टी एट इज इक्वल टू आर सो ट्वेंटी फाइव ये थर्टीन थर्टीन सो इसमें आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है देखो कॉमन क्या आया इसमें टू कॉमन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस थर्टी एट इस फॉर्म में आ गया इक्वल टू आर अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास में इसका डी क्या आ रहा है लेस देन है तो इसकी आपके पास में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मैक्सिमम इंफिनिटी तक जाएगा ये फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ तो इसमें देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास में तो आर क्या है मिनिमम या आर विल बी तो एक्स की किस वैल्यू के लिए मिनिमम रहेगा आपके पास में जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना टू एक्स एक्स इजल टू वन अपन टू पे and for other values of x this will be greater than the four value देखो इसकी फिर बाकी के x की values के लिए इसकी value क्या रहेगी उससे बड़ी रहेगी जो minimum value देखो x is equal to one upon two पे आएगी वो अपने check कर लेते हैं वो कितना आ रहा है वो one upon two पे उसमें देखो one upon two डालेंगे ना इसको differentiate करके देख लो या आपके पास है four ac minus b square upon four a उससे आप कर सकते हो तो देखे इसमें एक्स इजिकल टू वन पॉइंट टू डाल देता हूं तो मैं इसमें देखो आर क्या आ रहा है फिर आपके पास में ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आर मिनिमम ठीक है तो इसमें वन पॉइंट टू डाला तो क्या आएगा आपके पास में वन पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट टू प्लस थर्टी एट इस फॉर्म में आ गया तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया ना तो टू तो एक्स माइनस वन तो उसको इक्वल टू जीरो तो ये इसको आपके पास में क्या आएगा ये तो माइनस वन पॉइंट फोर तो माइनस वन पॉइंट फोर इधर आपके पास में इसको सिंप्लीफाई कर दिया फिर तो माइनस वन पॉइंट टू तो ये फोर आएगा यहां so, ये कितना आएगा आपके पास से माइनस वन पॉइंट टू प्लस सेवेंटी सिक्स इस फॉर्म में आ गया ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना ये वाला ये थर्टी एट ही रहेगा ठीक है थर्टी एट सो नाउ दिस इज ये किसके आ आगे आपके पास में सो दिस इज सेवेंटी फाइव अपॉन टू यही बना ठीक है तो इस फॉर्म में आ गया तो सेवेंटी फाइव अपॉन टू तो ये आर की वैल्यू जो आपके पास में क्या आएगी आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव रूट थ्री अपॉन टू ये मिनिमम वैल्यू बताइए मैंने इसकी तो so, आपके पास में आर की वैल्यू फिर आपके पास में कौन सा विच ऑप्शन करेक्ट थर्ड वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाई थ्री विद इट मींस ए वेक्टर मेकिंग एंगल पाई बाई थ्री विद आई कैप इज द

तो इसमें देखो पहले आपके पास में व्हाट इज l l के अकॉर्डिंग देखो l इज द क्या कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर a विद द x एक्सिस वो अपने पास में देखो कितना है आपके पास में उसे फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास में a से कटेगा तो सीधा ही देखो l कितना आपके पास में यहाँ पे l so l is here we have so that is cos pi by 3 cos pi by 3 ठीक है दैट इज 1 upon 2 एंड व्हाट इज द व्हाट इज देम डायरेक्शन को साइन से कर लो तो को साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए इसका यूनिट वेक्टर ले लो ना इसका यूनिट वेक्टर ए कैप ले लो सो विद द पाई एक्सिस दैट इज कॉस पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 तो कॉस पाई बाय 4 किसके इक्वल 1 अपॉन रूट 2 नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एन तो को ऑफ द एंगल विद द जेड एक्सिस वो थीटा दैट इज कॉस थीटा ये निकालना है अपने को तो अब देखो एल स्केयर प्लस एम स्क्र प्लस एन स्केयर इक्वल टू वन वी नो दैट ये हमें पता है अब इसमें रख दो आपके पास में वन पॉइंट फोर वन पॉइंट टू एंड दिस इज कॉसकेयर थीटा इज इक्वल टू वन इसको उधर ले जाओ आपके पास में कितना आ गया ये सो कॉस केयर थीटा सो वन माइनस थ्री बाई फोर ऐसा आएगा तो कॉस थीटा कॉस्केयर थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर तो को भी है किसके कुल आ गया प्लस माइनस वन अपॉन टू तो आपके पास में थीटा इजिकल टू क्या होगा या तो पाई बाई थ्री होगा ठीक है या थीटा इजिकल टू क्या आ रहा है टू पाई बाई थ्री तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन तो पाई बाई थ्री तो है नहीं सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए वैक्टर इज इकल टू टू थ्री आई प्लस टू जी कैप प्लस टू के कैप बी वैक्टर इज इकल टू ये गिवन है अपने को द टू वैक्टर्स इफ ए वैक्टर ए वैक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी दस एक वैक्टर है ठीक है थीके? इन दोनों वैक्टर्स के परपेंडिकुलर है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर एंड ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर हैज द मैग्नीट्यूड ट्वेल्व देन वन सच वैक्टर तो एक ऐसा वैक्टर है जो इन दोनों वैक्टर्स के परपेंडिकुलर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है ट्वेल्व है तो उस वेक्टर को अपने को निकालना है तो अपने को सीधा ही क्या ले लेते हैं इसमें देखो दैट वेक्टर इज गिवन बाय तो सॉल्यूशन तो सी वेक्टर इज इक्वल टू इस दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर तो इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्म में लेना है तो अपने पास में देखो आई जे के अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देखें अपने पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से आर फोर एंड 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 व्हाट इज द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसमें आपके पास में टू आई टू एंड दिस इज जीरो एंड दिस इज फोर क्लियर है तो अब इसको आप सोल्व कर ले तो आपके पास में क्या आ रहा है लेमडा सिक्सटीन आई इस फॉर्म में ठीक है जे का फिर आपके पास में क्या आ रहा है जे कैप दिस इज सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जे एड वो माइनस एट के माइनस एट के कैप नाउ इट्स मोडलस इज इसका मोडलस किसके इक्वल कह रहा है मोडलस ऑफ दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व तो इसमें आपके पास में इसको ट्वेल्व के बराबर रखें तो मोडलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वेल्व इसको सिंप्लीफाई कर लें तो लेमडा बाहर आ जाएगा आपके पास में ये कितना आएगा 256, 256 प्लस 64 ऐसा आ गया इक्वल टू ट्वेल्व सो ये 512, क्लियर है सो so 512 हंड्रेड ट्वेल्व क्या आएगा आपके पास में 64, फोर फाइव सेवन सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आएगा तो लेमडा ट्वेंटी फोर लेमडा इक्वल टू तो ट्वेल्व सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 प्लस माइनस हो सकता है तो इसमें मॉडुलस आएगा ना जैसे मॉडुलस तो प्लस माइनस 1/2 हो सकता है तो आपके पास में यहां पे वैल्यू डालेंगे तो सी वेक्टर किसके इक्वल आया है? एक तो देखो सी वेक्टर क्या हो गया 8i minus 8j minus 4k एक तो ये बन गया अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन कर रहा है तो इसमें देखो आपके पास में चलो वो देख लेते हैं एक क्या माइनस का रखेंगे तो माइनस का क्या आएगा आपके पास में तो माइनस टू माइनस एट आई एंड प्लस एट जे एंड प्लस फोर के इसमें से कॉमन क्या आपके पास में फोर कॉमन है इसमें से फोर कॉमन है तो क्या आ रहा है माइनस टू आई एंड फोर जे ठीक है टू जे और प्लस के कैप ये आएगा तो देखो ये है क्या किसी में माइनस टू आई ये नहीं है इसमें देखो आपके पास में इधर तो ये वाला बनता है मेरे को लगता है देखो इसमें बन रहा है ना तो इसमें फोर फोर ये तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या बन रहा है इसमें आपके पास में बेटा फोर्थ ठीक है तो ये टू आई इसको सिंप्लीफाई कर लो ये आंसर आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में the lambda value तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो लेमडा की किस वैल्यू के लिए फॉर वट वैल्यू ऑफ लेमडा दॉल्यूम ऑफ दैल पाइप मिनिमम यह बताना है तो अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ दैरल पाइप किसके इक्वल होता है हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होगा तो वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा उसका वी इज इक्वल टू ये ले लेते हैं अपने पास में वन लेमडा वन सो हियर जीरो वन लेमडा दिस इज लेमडा जीरो वन इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इससे एक्सपेंड कर लेते हैं तो देखो क्या आता है आपके पास में सो वन माइनस तो ये आपके पास में वन ठीक है ना तो इसमें वन लेमडा वन एंड जीरो ठीक है अब इसमें इससे एक्सपेंड कर लिया तो आपके पास में फाइनली तो ये इधर क्या आ गया वन आ गया ठीक है अब इसमें इससे एक्सपेंड करेंगे तो लेमडा प्लस लेमडा लेमडा स्केयर माइनस वन इस फॉर्म में आ रहा है क्लियर तो इसको आपके पास में लेमडा क्यूब माइनस लेमडा प्लस वन तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो मैक्सिमम मिनिमम लगा लो ठीक है तो डी वी अपॉन डी लेमडा तो जीरो रख लो सो so, क्या आएगा थ्री लेमडाइनस रूट थ्री ऐसा आ गया लेमडा इज इकल टू तो so, तो प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री तो रूट so, अब इसमें आपके पास में सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास में क्या आ रहा है इसमें तो सिक्स लेमडा ठीक है तो वन अपॉन रूट थ्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में पॉजिटिव होगी तो दैट विल बी मिनिमम ठीक है तो वन अपॉन रूट थ्री देखो ऐसा भी आप देख सकते हो तो माइनस इसके फैक्टर जैसे देखो माइनस वन अपॉन रूट थ्री और इधर वन अपॉन रूट थ्री ठीक है ये इधर आपके पास में ये किसका साइन बता रहा हूं मैं डीवी अपॉन डी लेमडा का तो उसका डेरिवेटिव का ठीक है तो ये आपके पास है, है? पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव तो वाला तो मिनिमम सो मिनिम कहां बेटा इसमें तो so 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 इस देखें लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड थ्री वैक्टर्स तीन वैक्टर्स दे रखे अपने को ठीक है सो एल्फा आई इस फॉर्म में बी वैक्टर इस फॉर्म में दे रखा टू आई प्लस ए माइनस लेफ्ट अल्फा के कैप एंड सी वेक्टर दे रखा है आपको अब ये क्वेश्चन में ऐसा है कि देन सेट एस क्लियर है तो अल्फा इज ऑबटेन फ्रॉम व्हाट कहां से मिलेगा अल्फा एल्फाइज ऑप्टेन फ्रॉम वेन दी आल थ्री वैक्टर्स आर कोपलेनर वो कह रहा है कि अल्फा तभी आपको चाहिए मतलब जब तीनों वैक्टर्स के हैं ये कोपलेनर है तो देखते हैं अपने जब तीनों वेक्टर कॉप तो हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा जीरो के इक्वल तो जीरो के इक्वल रख दें तो देखो इसमें क्या वैल्यू बनती है अपने पास में चेक कर लेते हैं वन थ्री टू वन माइनस एल्फा एंड अल्फा माइनस टू थ्री इक्वल टू जीरो तो इसको सिंप्लीफाई करा तो देखो आपके पास में अल्फा सो थ्री माइनस टू एल्फा ऐसा आएगा ठीक है, तो इधर फिर आपके पास में माइनस सिक्स प्लस एल्फा स्क्वेयर प्लस थ्री माइनस फोर तो पहले इसमें ये इसमें आपके पास में क्या बन गई तो सिक्स माइनस एल्फा स्क्र प्लस का अल्फा स्क्र हो गया तो इधर आपके पास में माइनस फोर एंड माइनस एल्फा इस फॉर्म में आ रहा है इक्वल टू जीरो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इसमें देखो आपके पास में क्या आ रहा है तो थ्री अल्फा माइनस टू अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वेल्व तो इधर ये सिक्स थ्री अल्फा इधर क्या आ रहा है आपके पास में माइनस ट्वेल्व एंड माइनस थ्री अल्फा तो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो आपके पास में ये कैंसिल हो गया इधर ठीक है अब आपके पास में थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो ऐसा आ रहा है सो माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस एटीन तो ये दिस विल नेवर बी इक्वल टू जीरो विच इज नॉट ट्रू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर तो ये आपके पास में अल्फा की वैल्यू यहां पे अल्फा गिवन है आपको अल्फा बिलोंग्स टू हियर सो ए बिलोंग्स टू हियर अल्फा यहां पे अल्फा है ये दिस इज अल्फा क्लियर है ये अल्फा इज रियल है तो आपके पास में फोर एनी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ अल्फा दिस मिल नेवर बी इक्वल टू जीरो तो ये कभी जीरो नहीं होगा तो so, इमेजिनरी होगी ना फिर वो तो अपने को गिवन है सो so, एल्फाइज क्या दिस सेट एस इज एम्प्टी सो देर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एल्फा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन

तो या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे तो अब इसमें देखो आपको यह पता है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर यह गिवन है आपको कंडीशन इक्वल टू तो इससे आपके पास में क्या आएगा दिस विल गिव जीरोल टू बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर इज इकल टू सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर आप ए वैक्टर से आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर आएगा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इकल टू सी वैक्टर अगर आप बी वैक्टर से करेंगे तो आपके पास में ये कंडीशन आती है अब अपने को ये given है देखो अपने को ये पता है प्लस सी वैक्टर इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करें ऐसे ठीक है तो इसी का मैं स्केयर कर देता हूं या तो स्केर ले लो आप इसको ऐसे है ना इसका स्केर ले लो तो आपके पास में क्या आ रहा है किस फॉर्म में आएगा ये? ये आपके पास में ए वैक्टर बी वेक्टर स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसा रहेगा इक्वल टू किसके जीरो के तो ये आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी है थ्री है तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई माइनस थ्री बाई टू यही आएगा तो सी वेक्टर ये माइनस थ्री बाई टू तो माइनस थ्री बाई टू तो आपके पास में अब लैम्डा की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू कौन कौन से ऑप्शन में इसमें और इसमें दे रखी है अब यहां पे आपके पास में ये वाला ऑप्शन रहेगा ये नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता है बी वेक्टर ये आपके पास में यहां से d वेक्टर किसके इक्वल आएगा d वेक्टर आपके पास में यहाँ पे देखो मैं क्या रखूंगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर तीनों इक्वल है तो 3 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ठीक है तो ये ऑप्शन लैम्डा की वैल्यू आपके पास में -3/2 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपड हुज कॉर्नर मिनस एजिस आर गिवन बाय उसके तीन जो एजिस हैं ठीक है थीके? तो को तो सीटा तो की वैल्यू पूछिए तो पहले तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो वॉल्यूम किसके इक्वल कह रहा है वो वन के इक्वल कह रहा है तो वन के इक्वल कह, तो कह रहा है ना ऐसे तो ये आपके पास में किसके इक्वल आएगा वन वन लेमडा ऐसा है? तो अब इसको सिंपलीफाई कर लो आप इसमें क्या आएगा आपके पास में तो इससे इसी से एक्सपेंड कर लें तो वन माइनस टू माइनस लेमडा तो इसमें आपके पास में वन माइनस टू सो वन माइनस टू तो माइनस वन तो प्लस का थ्री आ जाएगा फिर इसमें आपके पास में तो ये जीरो मॉडुलस तो में आएगा इक्वल टू वन तो आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपके पास में तो माइनस लेमडा प्लस थ्री तो ये प्लस माइनस वन दो तरीके से आ जाएगा एक बार क्या आप प्लस लोगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा सो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से प्लस लेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू टू ठीक है और एक लेमडा इक्वल टू जब माइनस का लेंगे तो क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे लेमडा इक्वल टू फोर जब प्लस का लिया तो आपके पास में माइनस टू तो ये लेमडा इक्वल टू टू जब यहाँ पे माइनस का लेंगे तो माइनस फोर आएगा तो फोर अब अपने पास में एंगल बिटवीन दी तो जब आप लेमडा इक्वल टू टू डालते हो जैसे लेमडा इक्वल टू टू सम मतलब यू वेक्टर आई प्लस लेमडा प्लस टू के कैप तो एंगल बिटवीन दी अब तो इसमें देखो आपके पास में क्या आएगा कोस थीटा फार्मूला लगा दें सो यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर अपॉन इससे करेंगे तो अब अपने पास में देखो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसके साथ में तो टू प्लस वन प्लस टू क्लियर है तो so, नीचे आपके पास में क्या आ रहा है इसका सो रूट सिक्स ठीक है इसका आपके पास में क्या है रूट सिक्स तो ये 5 .6 इसमें तो नहीं है तो फाइव पॉइंट सिक्स नहीं आ रहा ना तो इससे आपके पास में लेमडा की वैल्यू फोर डालो तो लेमडा की वैल्यू जब यहां पे आप फोर रखोगे इसको देखो फोर कर लो यहां पर so, अब इससे निकाल लो तो कॉस सीधा वो तो सीधा ही लिख लेते हैं अपने अब इसमें देखो आपके पास में क्या आएगा टू प्लस वन प्लस फोर तो नीचे आपके पास में अंड में क्या आ रहा है इसमें सिक्स और इधर आपके पास में सिक्सटीन एंड टू एटीन एटीन इससे मेरे को लगता बनेगा ये देखो सेवन तो यहाँ से क्या आ रहा है थ्री थ्री रूट टू तो ये आपके पास में रूट सिक्स आ रहा है यहाँ पे तो इसको देख लेते हैं वो रूट सिक्स सिक्स कॉमन निकाल लो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में रूट थ्री ये सो बिच ऑप्शन इज करेक्ट है सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर आई आई कैप माइनस टू जे प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस तो दीज आर दी टू वेक्टर, सी वेक्टर इज दैट दी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर फिर किसके परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के परपेंडिकुलर तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा है किसके इक्वल आ रहा है तो क्वेश्चन में आपके पास में देखो ये जो कंडीशन दी हुई है यहां से आपको कुछ कंडीशन मतलब एक रिजल्ट मिलेगा फिर आपको ये गिवन है कि डॉट किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है तो देखते हैं फिर अपने इस क्वेश्चन में देखो तो सोल्यूशन b वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर इज इक्वल टू b वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर तो इसमें इसको इधर ले आते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास में बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर इक्वल टू जीरो से कंक्लूजन क्या निकला बी वैक्टर इज टू सी ए यहां से तो सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर इक्वल टू लेमडा बी वैक्टर ऐसा आ रहा है तो सी वैक्टर किसके इक्वल आ गया फिर आपके पास में ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर अब आप यहां पर क्या है ए वैक्टर की वैल्यू डालो और बी वेक्टर की वैल्यू डालो ए वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस के कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर आई माइनस जे प्लस के कैप इस फॉर्म में तो ये सी वेक्टर आ गया अब इसको देखो आगे और सिंप्लीफाई कर ले तो वन प्लस लेमडा आई कैप और टू प्लस लेमडा जे कैप और वन प्लस लेमडा के कैप अब सी वैक्टर परपेंडिकुलर है किसके ए वैक्टर के तो सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसमें आप डॉट प्रोडक्ट कर लो इसका इसके साथ में वन प्लस लेमडा सीधा ही लिख देते हैं तो प्लस टू टू प्लस लेमडा एंड फिर आपके पास में वन प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो इसमें देखो आपके पास में कितना हो गया सो so, ये टू फोर लेमडा एंड तो ये आपके पास में फोर लेमडा फोर एंड टू सिक्स हो गया तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई लेमडा इज इक्वल टू बी एव माइनस थ्री बाई टू तो माइनस थ्री बाई टू आ गया ठीक है तो अब अपने को पूछा है कि सी वैक्टर डॉट बी वैक्टर किसके इक्वल है तो इसको अपने सी वैक्टर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सी वैक्टर किसके इक्वल आ रहा है देखो यहां से तो इसमें लेमडा की वैल्यू डालो तो लेमडा की वैल्यू डालने पे आपके पास में क्या आएगा तो माइनस थ्री बाई टू तो यहां पे आपके पास में आई माइनस टू जे प्लस के है तो माइनस थ्री बाई टू आई माइनस जे प्लस के कैप ठीक है तो ये आपके पास में माइनस थ्री तो माइनस आई माइनस वन पॉइंट टू आई कैप और ये प्लस का थ्री बाई टू और उधर से माइनस का फोर तो माइनस का वन पॉइंट टू जे कैप ऐसे ही आएगा फिर इसमें माइनस का थ्री बाई टू एंड माइनस का वन पॉइंट टू के कैप तो c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे सो डॉट प्रोडक्ट विद तो c वेक्टर डॉट b वेक्टर तो so c वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आ है आपके पास में इससे कर ले तो माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू और प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू नेक्स्ट वन माइनस वन अपॉन टू तो तो c वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल आ गया आपके पास में सो विच ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन So question, अब देखे पी क्वेश्चन इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस वन मतलब p वेक्टर इज इक्वल टू इस फॉर्म में दे रखे आपको ये तीनों कोप्लेनर हैं तो आपके पास में फिर ये रिजल्ट दिया होता है लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो जब तीनों कोप ले रहे हैं तो आपके पास में तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा जीरो होगा तो जीरो के इक्वल रखोगे तो वहां से एक की वैल्यू मिलेगी तो देखते हैं फटाफट इसमें तो आपके पास में तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो रख दो तो क्या आएगा ए प्लस वन ए ए प्लस वन एंड ए ए प्लस वन इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लो आप तो क्या करोगे इसमें ऐसे आर वन माइनस आर थ्री कर लो और आर टू माइनस आर थ्री कर लो ये ये ऑपरेशन लगा लो तो आपके पास में किस फॉर्म में आ गया तो आर वन माइनस आर थ्री तो दिस वन एंड दिस ज़ीरो माइनस वन ये आपके पास में जीरो ये वन ये माइनस वन सो तो ए, ए, ए प्लस वन ठीक है अब अपने पास में इससे एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये क्या आ रहा है आपके पास में देखो So, इससे। अब इसमें लास्ट वाले में क्या आएगा आपके पास है माइनस ए प्लस वन प्लस ए तो टू ए प्लस वन अब इससे आपके पास है माइनस तो माइनस ए प्लस का ए आ गया इक्वल टू जीरो वैल्यू पता लग गई ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन अपॉइंट थ्री इस फॉर्म में तो अभी सारे वेक्टर निकाल लो तो सारे वेक्टर आपके पास में पी वेक्टर किसके आ गया सो माइनस टू अपॉन थ्री आई कैप एंड माइनस वन अपॉन थ्री जे कैप एंड माइनस वन अपॉन थ्री के कैप इस फॉर्म में सो वट इज द क्यू वेक्टर, तो क्यू वेक्टर इज माइनस वन अपॉन थ्री आई कैप एंड माइनस टू पॉइंट थ्री जे कैप माइनस वन पॉइंट थ्री के कैप इस फॉर्म में आ रहा है तो वेक्टर वेक्टर आपके पास में माइनस वन पॉइंट थ्री कैप माइनस वन पॉइंट थ्री जे कैप और उसमें फिर माइनस वन पॉइंट थ्री रखेंगे तो प्लस का टू पॉइंट थ्री आएगा क्या प्लस का टू पॉइंट थ्री के कैप तो माइनस का वन पॉइंट थ्री जब इसमें रखेंगे ना तो ये आपके पास में प्लस का आएगा ये यहां पे क्या है प्लस का ये प्लस का कर लेना इधर आपके पास में इधर भी भी ये भी प्लस का ठीक है इस फॉर्म में आगे। अब डॉट डॉट देखो इसमें आपके पास में डायरेक्ट क्या आ रहा है पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर इसमें देख ले फटाफट इसमें पी वैक्टर डॉट क्यूबेक्टर यहां से माइनस का टू पॉइंट नाइन माइनस टू पॉइंट नाइन इस में में आ लास्ट प्लस का अपॉन तो so तो तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर हमें पता लग गया कितना माइनस वन थ्री है ठीक है अब इसमें आर वेक्टर क्यू वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें तो देखो इसको कैसे करेंगे आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस वेक्टर ये वाला ना तो आर वेक्टर क्रॉस वेक्टर इसमें से देखो आपके पास में क्या वन पॉइंट थ्री बाहर निकालेंगे इसमें से वन पॉइंट थ्री तो वन पॉइंट नाइन आ गया वन पॉइंट नाइन ठीक है तो आई जे के सो माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस वन टू इसका आपके पास 1, 2, 1, 2, 1. है वन टू माइनस वन टू माइनस वन क्लियर है अब इसका अपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो इसमें आपके पास में आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर तो ये वन अपॉन नाइन क्लियर है तो इसमें आपके पास में वन माइनस फोर तो माइनस थ्री आई क्लियर है तो इसका फिर आपके पास में क्या आएगा माइनस ये वन माइनस वन प्लस टू तो प्लस माइनस का थ्री कैप फिर आपके पास में इसका टू ये टू आ जाएगा इधर से आपके पास में वन तो माइनस का माइनस का थ्री के कैप तो ये आपके पास में आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर आ गया तो इसका अपने को मोडुलस लेना है तो मोडुलस लेंगे तो देखो आपके पास में सो वन अपॉन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा और वन अपॉन थ्री माइनस आई माइनस ए माइनस के कैप इस फॉर्म में आएगा तो अब इसका आपके पास में मोडुलस किसके इक्वल आएगा आपके पास में तो वन अपॉइंट थ्री तो बाहर रहेगा सो तो ये अंडर थ्री आ गया ठीक है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा आपके पास में मोडुलस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर स्क्वायर तो किस फॉर्म में आ गया वन अपॉइंट नाइन थ्री तो वन अपॉइंट थ्री तो ये वैल्यूज आप यहां पे डालेंगे तो इसमें आप जब इसमें रखोगे तो देखो आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी है पी वेक्टर, सो वन पॉइंट नाइन सो थ्री ये नाइन हो गया यहां डालेंगे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, माइनस वन पॉइंट थ्री तो वन पॉइंट नाइन हो गया अब इसकी वैल्यू आपके पास में वन पॉइंट थ्री है तो ये आपके पास में लेमडा ये अगेन वन पॉइंट नाइन क्लियर है तो यहां से आपके पास में लेमडा की वैल्यू क्या आ गई लेमडा इजिकल टू जीरो सी यहाँ पे आपके पास में लेमडा कितना आ गया आपके पास में लेमडा इजिकल टू थ्री तो इसको थोड़ा सा चेक कर लें दोबारा एक बार इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख कर तो इसमें थ्री तो ये वन अपॉइंट नाइन ठीक है इधर वन अपॉइंट नाइन आएगा तो ये आपके पास में और इधर इसकी वैल्यू कितनी है वन पॉइंट थ्री है सॉरी ये वन अपॉइंट थ्री है तो इसमें वन अपॉइंट थ्री ठीक है तो ये लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई है वन So, 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 क्वेश्चन था so, इस तरीके से इसको सोल्व कर लिया कोई दिक्कत इसमें ठीक है थ्री वैक्टर ऑफ ए वैक्टर इज इकल टू अंडूर थ्री मोडलर्स इकल टू फाइव बी वैक्टर इज इकल टू टेन सो एंड एंगल एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल परपेंडिकुलर किसके तो देन किस तो इसकी वैल्यू पूछिए आपको ठीक है वो किसके इक्वल है तो इसमें देखो सॉल्यूशन के लिए तो पहले आपके पास में वो डाटा लिख लो वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री एंड इक्वल टू फाइव इस फॉर्म में दे रखा तो बी वैक्टर डॉट सी वेक्टर टेन है तो अब इसमें ए वैक्टर और बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर के बीच में एंगल कितना दे रखा आपको देखो ये 90 पे है तो अपने इसको देखो इस तरीके से कर लेते हैं ऑफ क्रॉस बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर तो किस तरीके से आएगा ये आपके पास मेंस ऑफ ए वैक्टर मुडलस ऑफ बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर ठीक है इंटू साइन थीटा साइन नाइनटी क्योंकि एंगल कितना आपके पास में नाइनटी है ना तो अब अपने पास में इसमें देखें ऑफ ए मोडलसर बी वैक्टर और सी वैक्टर के बीच में एंगल कितना है? पाई तो इसमें ये इस सीधा सा ये, ये कितना हो गया रूट थ्री अब ये आपके पास है मोडलस ऑफ बी वैक्टर मोडलस ऑफ सी वैक्टर इंटू साइन थर्टी साइन सॉरी सिक्सटी तो सिक्सटी डिग्री दे रखा ना आपको सिक्सटी डिग्री बी और सी के बीच में तो ये लगा दिया यहाँ पे अब बी के बी वैक्टर का मोडलस कितना है आपके पास में, 5. C का यहाँ पे आपके पास में। तो तो इससे मोडलस निकाल लेंगे किसका सी वैक्टर का चलो वो देख लेते हैं अपने इसमें देखो इस, इसको इसी इस तरीके से आ जाएगा तो इसमें बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर तो इसमें यहां से मोडलस एंड द एंगल बिटवीन द बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर तो इसको देखो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ये कितना आया आपके पास में इसकी वैल्यू डालेंगे तो देखो बी वेक्टर डॉट सी वैक्टर क्या आएगा मोडलस ऑफ बी वेक्टर एंड मोडलस ऑफ सी वेक्टर ठीक है वेक्टर वेक्टर. तो ये किसके कुल आपके पास में कॉस 60 इज इक्वल टू टेन यहाँ से ही वैल्यू निकल तो इसमें आपके पास में फाइव मोडलस ऑफ सी वैक्टर तो दिस इज वन अपॉइंट सो ऑफ सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया आपके पास में यहां से फोर तो ये यह वैल्यू यहां डाल दो फोर इसमें देखो आपके पास में ये किसके इक्वल आया अब रूट थ्री और इसमें आपके पास में फाइव एंड दिस इज फोर एंड दिस इज रूट थ्री बाय टू तो इसका आंसर देखो आपके पास में किसके इक्वल आ रहा है ये थ्री ये आपके पास में टू सो थर्टी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो यहाँ से देखो इसमें b वेक्टर c वेक्टर से आपको क्या है of c वेक्टर मिला तो इसमें एंगल क्या दे रखा है आपको एंगल बिटवीन दी वेक्टर एंड c वेक्टर इज पाई बाई थ्री इससे आपके पास में मोडस ऑफ c वेक्टर आ गया तो इसकी वैल्यू यहाँ यूज कर लो ठीक है तो ये मोडस ऑफ c वेक्टर यहाँ यूज किया तो आपके पास में आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्टी ठीक है तो ये आपके पास में तो बेटा ये 2019 और 2020 के वेक्टर के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए ओके थैंक यू